गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए लहंगे, क्योंकि वेडिंग का सीजन स्टार्ट हो गया है, शादियां स्टार्ट हो गई है अलोंग विद द विंटर्स। तो शादियों के लिए आप ढूंढते हैं लहंगे, और लहंगे अगर आपके पास की शादी है, दूर की शादी हो, यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वो वैसे भी एक दो ओकेशंस के बाद आपके कबर्ड में पड़ा ही रहता है। तो अफोर्डेबल लहंगे बहुत ही आजकल ट्रेंड में है, तो वैसे कुछ लहंगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो है फ्रॉम जोश इंडिया। तो जोश इंडिया एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको साड़ीज मिल जाएंगी, लहंगे मिल जाएंगे, बिल्कुल पार्टी परफेक्ट, मतलब कोई भी फंक्शन हो आपके घर में, शादियां हो, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। यहाँ पे काफी ज्यादा गॉर्जियस आपको लहंगे और साड़ीज मिल जाते हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगी, आप वहां जाकर लिंक पे क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हैं। और काफी सारी वैरायटीज हैं इनके पास साड़ीज की, गॉर्जियस पार्टी वेयर साड़ीज, पार्टी वेयर लहंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं फ्रॉम जोश इंडिया। बस चलिए बिना कोई देरी किए हुए अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो पहला जो पीस है मेरे पास वो है ये, आप देख सकते हैं टी ग्रीन कलर में है, एंड इसका जो ब्लाउज है वो एक पिंक कलर का ब्लाउज है विद सम गोल्डन डिटेलिंग, और सब इंडिविजुअल पैकेट्स में आते हैं, इस तरीके से पैक हो गए। तो स्टोरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, प्लस आप आराम से इनको ढूंढ सकते हैं, आपको दिख जाता है कि कौन सा कहाँ रखा है। तो ये है पहला वाला पीस, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है टील ग्रीन का अलॉन्ग विद सम गोल्डन एंड पिंक, किसी भी संगीत सेरेमनी में, मेहंदी सेरेमनी में, हल्दी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो पहले मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये ब्लाउज आया है प्री स्टिच्ड, पहले से स्टिच्ड मुझे मिला है। ये इस तरीके के गोल्डन गोटापट्टी वर्क से ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, गोटापट्टी नहीं है, प्रिंट है ये, गोल्डन प्रिंट आप देख सकते हैं। तो फंक्शंस वगैरह के लिए काफी अमेजिंग है। इसका जो स्लीव है वो बिल्कुल है हाफ, और यहाँ आपको मिल जाता है ऐसा फूला हुआ रफल स्लीव, तो काफी अच्छा है लुक आता है। एंड यहाँ पे आपको पाइपिंग मिल जाएगी वही गोल्डन कलर में, ठीक है, और इसके साथ आपको मिल जाएगा पैच, तो आपको अलग से कुछ और पहनने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी काफी अच्छी है, स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से है। मैं आपको पहन के भी इसको दिखा दूंगी, आई होप ये मुझे फिट हो जाएगी, कि अब तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, मैंने जस्ट आप लोग के सामने इसे खोला है। एंड यहाँ पे ये वाली बटन डिटेलिंग है पीछे, अगर हल्का सा छोटा बड़ा आ जाता है आप पीछे से एडजस्ट कर सकते, थोड़ा सा इसी कलर का कपड़ा एड करके कुछ तो डिजाइनिंग वगैरह करके। तो ये है इसका ब्लाउज, बहुत ही अमेजिंग है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, डिजाइन भी बहुत प्यारा है, स्पेशली इसके साथ तो बहुत अच्छे से जाता है। एंड ये है लहंगा, इसका लहंगा मतलब नीचे का जो पोर्शन है, इसके आपको चुन्नी नहीं मिलती है, ये जस्ट ब्लाउज है और लहंगा है नीचे का। आजकल ऐसा भी ट्रेंड काफी चल रहा है जहाँ पे आपको चुन्नी नहीं मिलती है, तो ये आप देख सकते हैं ये सिला हुआ नहीं है, अभी आपको ये ओपन रिसीव होगा, आप अपने साइज के हिसाब से इसको सिला सकते हैं लटकन वगैरह लगा के। तो ये है पूरा लहंगा, ऊपर से नीचे आपको दिखा देती हूँ, घेर भी काफी अच्छा खासा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा घेर है। और सबसे अच्छी बात इस लहंगे की ये है, एक तो कलर बहुत प्यारा है, एक टील ग्रीन और जो लाइट पिंक वाला एक बीच लाइट पिंक नहीं सब पीच कहेंगे, तो पीच कलर और ये इसका जो कॉम्बिनेशन है टील ग्रीन बहुत ही अमेजिंग है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे है कैन कैन अटैच्ड, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा नीचे आपको घेर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक ये वाला कपड़ा है जिसमें हल्का सा मोटा वाला ये दिया गया है, सो दैट घेर आपका बना रहे पैरों के पास, और फिर आ जाता है ये कैन कैन, उसके पास ये लहंगा, इसमें भी वो मोटा वाला डाल रखा है, इसे क्या कहते हैं मैं भूल गई, ये मम्मी जब मेरी स्टिचिंग वगैरह करती थी तब ये बहुत यूज करती थी, जो मोटा वाला एक ब्रॉड सा कुछ आता है, तो ये भी इसमें लगा हुआ है। तो नीचे का जो पोर्शन है ना लहंगा का काफी फूला फूला रहेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया है, इसके जो गोल्डन डिटेलिंग है आप देखिए लाइट में कितना चमक रहा है, तो किसी भी रात के फंक्शन के लिए भी ये परफेक्ट है, किसी भी दिन के संगीत वगैरह के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया ये। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसका जो नीचे का घेर है काफी अच्छा खासा इसका घेर है, एंड इसमें ब्लाउज के साथ बहुत ही अच्छा ये जाने वाला है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये है मेरा पहला लहंगा सेट, प्राइजेस मैं इसके नीचे मेंशन कर दूंगी, एंड लिंक्स अगर आपको पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है पहला वाला, दूसरा जो है वो है थोड़ा सा इस तरीके का थोड़ा सा ग्रैंड वाला, जिसमें थोड़ा सीक्वेंट का काम है, थोड़े फ्लावर्स बने हुए हैं, ये है कम्प्लीटली अनस्टिच्ड। सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज आपको दिखा दे रही हूँ, येलो कलर में ये है, तो मेहंदी और हल्दी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो ये इसका ब्लाउज, ठीक है,
ब्लाउज का एक कपड़ा ये है, बहुत ही प्यारी डिजाइन है, आप देख सकते हैं थ्रेड वर्क है इसमें, सीक्वेंट वर्क है, बहुत कलरफुल है, येलो पिंक ग्रीन, अमेजिंग लगेगा किसी भी फंक्शन के लिए। एंड एक और पीस आपको मिलता है, आप चाहे तो यहाँ तक सिलवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आज के लिए, बहुत ही इन है यहाँ तक वाले जो भी ब्लाउजेस होते हैं, ठीक है। ये है सामने का, एक्चुअली आप देख सकते हैं गला वाला पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका हाथ है आई गेस, अगर आपको फुल स्लीव सिलवाने हैं, 3-4 स्लीव सिलवाने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये है, अगर आपको स्लीवलेस सिलवाना है तो बिल्कुल ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये इसका ब्लाउज है, साथ आपको मिल जाती है चुन्नी, जो ये है सॉफ्ट कॉटन में ये चुन्नी है, काफी अच्छा मटेरियल है, और चुन्नी बस नॉर्मल येलो कलर में है, एंड यहाँ पर आपको ये डिटेलिंग मिल जाती है, सीक्वेंस डिटेलिंग पूरी की पूरी चुन्नी में, अच्छी खासी इसकी लेंथ है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ, तो लेंथ भी इसकी ओके है, एंड ब्रेथ इसका काफी ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर बिल्कुल सॉफ्ट नेट में चुन्नी है, बहुत ही अच्छा लगेगा ये इसके ऊपर लहंगे के ऊपर, ठीक है, आप भी किसी और के साथ भी पेयर कर सकते हैं। तो ये तो इसका हो गया चुन्नी, लहंगा दिखाती हूँ जिसका मेन पार्ट है, वो है ये येलो कलर में, सीक्विन का काम है, बहुत ही अमेजिंग है, रात को ये बहुत चमकने वाला है, आप देख सकते, ये जो लहंगा आया है ये स्टिच्ड आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टिच्ड आया है, साथ में आपको ये मिल जाता है, आप अपने पसंद का लटकन भी इसमें लगा सकते हैं, और ये डिजाइनिंग जो ब्लाउज में है वही सेम थ्रेड वर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है कमर पर, एंड एज यू गो डाउन आप देखेंगे कितना ज्यादा घेर है इसमें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा घेर है, और पूरे लहंगे पे भी सॉफ्ट नेट है, जो चुन्नी वाला नेट है वही नेट है, साथ में आपको यहाँ पे सीक्वेंट का काम मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेयर है वो है नेट का लेयर, वो ये, उसके बाद आपको अगेन मिल जाता है कैन, क्योंकि कैन यूजुअली अगर आप बाहर खरीदने जाए तो वही 500-600 का मिल जाता है, कैन के साथ इतने अमेजिंग लहंगे फॉर दिस प्राइस आई थिंक इज अमेजिंग, आपको कैन मिल जाता है अच्छे से घेर के लिए, फिर आपको एक साटन का लेयर मिल जाता है, तो इसमें भी अच्छा खासा घेर आपको मिलेगा, एंड बहुत ही फ्लोई ये होने वाला, मैं आपको एक बार खड़े होके भी दिखा देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा नीचे, मैं आपको पहनकर भी जरूर दिखा दूंगी कि कैसे ये एक्चुअल में लगता है, बहुत ही अच्छा खासा घेर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका घेर है। तो ये है मेरा सेकंड लहंगा, जो थर्ड वाला है वो है सिल्क का लहंगा, सिल्क के लहंगे भी आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं, एंड मैंने एक और सिल्क का हॉल किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले फ्रॉम अमेजोन, वो भी मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर उसे भी चेकआउट करें। तो ये है सिल्क का लहंगा, बहुत ही प्यारा रानी पिंक या वाइन इसे कहेंगे, वाइन कलर में ये है। तो ये लहंगा है, सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, ये है इसका ब्लाउज ग्रीन कलर में विद द वाइन बॉर्डर, जिसका ये पूरा लहंगा है उसके साथ, और इस तरीके की इसमें डिजाइन बनी हुई है, काम किया गया है, तो इस कलर का ब्लाउज होने वाला है, और आई थिंक आराम से आपको ब्लाउज इसका सिल जाएगा, स्लीवलेस वाला ब्लाउज आराम से सिल जाएगा, हल्की सी स्लीव भी आपको इसमें मिल जाएगी, ये लेंथ है पूरे ब्लाउज मटेरियल का। उसके साथ आपको मिल जाती है चुन्नी, जो है इस रानी पिंक या क्या कहेंगे इसे पीच कलर, इसमें हल्का सा इस तरीके का गोल्डन डिजाइन है जो सेम ब्लाउज में भी है, बहुत ही अमेजिंग ये लगता है, सिल्क का जो लहंगा है उसका लुक ही अलग आता है। तो ये है चुन्नी, चुन्नी चुन्नी इज अमेजिंग, इसका चुन्नी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अमेजिंग सा काम इसमें किया गया, अगर आपको मैं दिखाऊं कैमरे पे, आई होप अच्छे से आ रहा होगा, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है जो काम इसमें किया गया, स्पेशली जो कलर इसमें है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, और चुन्नी के एजेस पे आपको इस तरीके का डिजाइन मिल जाएगा, इस तरीके का झाला झाला जैसे बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप किसी प्लेन कुर्ते के साथ भी पेयर कर सकते हैं, कोई ब्लैक कुर्ता अगर आपके पास हो आप उसके साथ भी इसको पेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिल्क है तो अमेजिंगली ये जाएगा,
बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं ऑन द स्क्रीन ऑलरेडी। साथ आपको मिल जाएगा ये लहंगा, अभी लहंगा भी है ग्रीन कलर में, जो उसका ब्लाउज था वो भी ग्रीन कलर में ही था, ये आप देख सकते हैं। इसका लहंगा है, आप देख सकते हैं सेम वही ब्लाउज वाला डिजाइन है, और चुन्नी पे जो डिजाइन है एडजस्ट पे, वो आपको यहाँ पे लहंगे के नीचे मिल जाते हैं। जो डिजाइन है वो बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हैं कैमरे पे, एक ब्लैक है इसमें, एक रानी कलर भी है, हल्का सा ऑरेंज भी है, और ये ग्रीन के साथ बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट ये जाता है। और ये भी आपको मिल जाएगा अनस्टिच्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सिलवा सकते हैं, अप टू डबल एक्सएल तक ये आराम से आप इसे पहन सकते हैं अच्छा से लटकन लगा के। तो ये है इसका बॉर्डर, बहुत खूबसूरत है, और इसमें आपको साथ में मिल जाता है कैन कैन अगेन। इनके सारे लहंगे पे आई थिंक कैन कैन अवेलेबल है। ये सबसे पहला लेयर मोटा वाला, ठीक है, इसमें हल्का सा इसमें भी ब्रेथ है, उसके बाद आपको मिल जाता है कैन कैन, और उसके बाद आ जाता है मेन लहंगा, जिसमें अगेन यहाँ पर आपको अस्तर मिल जाएगा, अस्तर ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मोटा सा मिल जाएगा। तो अच्छा खासा आपका नीचे ये होल्ड करने वाला है लहंगे को, तो बहुत ही खूबसूरत सा इसमें लुक आएगा। तो ये है लहंगा, मुझे ये भी बहुत पसंद आया, सिंपल में, सोबर में सिल्क लहंगा बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। इसकी जो डिजाइनिंग है नीचे की, दैट इज जस्ट अमेजिंग, आप देख सकते हैं। तो ये है मेरा लास्ट लहंगा। आई होप मेरे दिखाए हुए सारे लहंगे आपको पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। अगले वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय।